होली स्पेशल गुजिया बनाएंगे जिसपे कोई क्रैक नहीं आएंगे, ना ही तेल में खुलेगी। बस इन टिप्स का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इसमें होते हैं तीन एलिमेंट, एक तो आटा लगाना, दूसरा स्टफिंग और तीसरा आता है फ्राई करना। तो आटा लगाने के लिए मैदा लिया है, चुटकी भर नमक और 3 टेबलस्पून इसमें गया है पिघला देसी घी। इसको रब करके ब्रेड क्रम जैसा टेक्सचर देंगे। अब देसी घी पूरा है कि नहीं ऐसे मुट्ठी में मैदा ले लें, अगर वो टूटे नहीं तो मतलब पूरा है। फिर इसको हम पानी डाल के एक सख्त डो लगा लेंगे। इसको एक तरह से आपने मैदे को एक साथ करना है और फिर गीले कपड़े से ढक के इसको 15 से 20 मिनट रख दें। तब तक बनाएंगे स्टफिंग, जिसमें हमने लिया है खोआ। इसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसको हम भून लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे भूनना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक। थोड़ा सा केसर भी डाला मैंने इसमें, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है। तो ये खोआ भून गया है, अब हम भूनेंगे इसमें सूजी, क्योंकि सूजी इसको बॉडी देगी। तो देसी घी में डाला मैंने 3 चम्मच सूजी, नॉर्मल चम्मच। इसको भी हम हल्का ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको भी ठंडा कर लेंगे। और तीसरे स्टेप में हम यहाँ पे डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, अपनी पसंद के जितने ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें आप डालें। इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे। इन सबको बढ़िया से ठंडा करना है आगे प्रोसीड करने से पहले। जब तक वो ठंडा हो रहा है, अपना मैदे को अब अच्छे से डिशुम करें और एकदम स्मूथ कर लें, क्योंकि इससे मैदे में लचक आ जाएगी और बहुत बढ़िया गुजिया बनेगी। अब फिर इसको ढक के रख देंगे। अब स्टफिंग को भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर और यहाँ मैंने शक्कर यानी कि गुड़ को पीस के डाला है। आप चाहें तो चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार इसको आप स्वीट कर लें। फिर जो लोइयाँ हैं उसको हम अच्छे से बेल लेंगे, रोटी जितना पतला रखना है, और फिर एक जैसी शेप दे दें किसी ढक्कन या कुकी कटर से। फिर इसको बीच में हम स्टफ़ कर लेंगे, बहुत ओवर ना भरे, बस नॉर्मली स्टफ़ करें। किनारे पे लगाएं पानी और इसको हल्के हाथ से पहले ऐसे सील कर लें और फिर अच्छे से दबा के पूरी बढ़िया तरह से इसको सील करेंगे। अब शेप देने के लिए आप फोल्ड करें, पिंच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर पिंच करेंगे। ऐसे बस इसको पिंच करके फोल्ड करते जाएंगे एंड तक, और जो लास्ट का किनारा होगा उसको आप ऐसे अच्छे से बंद कर दें। अब सब तैयार हो गया। अब इसको फ्राई कैसे करना है? अब फ्राई करने के लिए जो पहले हमारा तेल है मीडियम हॉट होना चाहिए। आपने देखा मैंने आटे की गोली डाल के देखी, वो एकदम से ऊपर नहीं आई। बस इतना ही टाइम इसको लगना चाहिए। अगर थर्मामीटर हो आपके पास तो आप देख सकते हैं 140 डिग्री के आसपास हो। इस पे आप गुजियों को अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे जब तक गोल्डन हो जाए। एकदम से नहीं करछी लगानी है, जब थोड़ा सा इसका बेस हो जाए तब करछी लगाएं। और ये तैयार है। चाहे तो शुगर सिरप में आप डिप कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही पसंद है। तो आप भी बनाएं एंड हैप्पी होली।